सब्सक्राइब करें आसमाजन डेली ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इससे मेरी आने वाली वीडियो आपके खास तो आनी पहुंच जाएगी तो जी अस्सलाम वालेकुम मैं फिर हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ वलीमा व्लॉग के साथ अब जी शादी ख़त्म <laughs> सुकून आ आगे थे टाइम से शादी 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 चीज़ें ये वो फ्लां फ्लू तो जी अब ख़त्म होगी शादी ठीक है और चलो जिसकी शादी अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे कर उन्हें बहुत सी खुशियां थे हाँ मेन तो ये देख देखने आप हम हॉल में एंटर हो गए थे हर कोई अपना फ़ोटो शूट करने में मसरूफ़ था बिजी था ये मामू और मेरे ममानिया मामू कज़न सब थे तो सब अपने अपने क्योंकि वलीमा था हमारा फंक्शन था तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे थे बाकी लोग देर से आए थे तो भाई सब अपना अपना फो, फोटोशूटू में बिजी थर्स्ट टाइम बिल्कुल हॉल खाली था और ये जी मेरी ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं मैंने ये कैप्टी पहनी थी साथ में पायल और ये सारा मेरा लुक थे मैंने ओपन हेयर रखे थे लेकिन ऊपर से जो ऊपर से हल्के से मैंने उन्हें बांध दिया था हेयर स्टाइल्स बना के पफसा बना के और बाकी सारे मैंने ओपन रखे थे ठीक है और बाकी जितनी भी ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई थी वही सब चीज़ें मैंने वेयर की थी और मेकअप वगैरह एज़ यूजल मैंने खुद किया था और ये मेरी भाभी का फ़ोटो शूट हो रहा है इसी तरह सबका हुआ था हर हर कपल का शूट हुआ था हमारा भी हुआ था लेकिन मैं बना नहीं सकी वो वीडियो सिर्फ जाएंगी और जी यहाँ पे खाना खाने में गोश्त था चिकन था चिकन अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो लेट आया था और आ, 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 क्या कह रही थी मैं हाँ चिकन था चावल और चिकन पकौड़ा और साथ में नान थे बहुत सॉफ्ट थे बहुत यम्मी थे और साथ में रशियन सलाद की प्लेटर था पूरा उसके अंदर ना मैक्रोनी वे सैलड और रशियन और ना दूसरी वाली सैलड ठीक है सिंपल और अच्छा ये ना सारा सिस्टम टेबल्स के ऊपर था बहुत अच्छा सिस्टम था मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जाओ जाके लेके आओ बच्चे भी होते हैं तंग करते हैं उनको छोड़ के जाओ तो उससे बेहतर यह है कि टेबल पर तो टेबल पर बहुत कम्फर्टेबल रह जाता है कि वेटर्स जो होते हैं वो टेबल पर ला के आराम से उन्होंने रख दिया था तो हम लोगों ने आराम से खाना इंजॉय किया था और बस ये बाकी ये मेरी ममानी वगैरह और मेरी कजन्स वगैरह हम सबकी जो फोटोशूट था जी तो ये मेरा प्लेट था खाने का और बहुत जमी था और अब जो मैं आगे आपसे क्लिप शेयर करी हूँ वो नेक्स्ट डे के हैं और यहाँ पे शादी ख़त्म हो गई और ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स अब मैं इंजॉय करी चार दर्जी तो जैसे खानी आ जाए और बहुत मजे की सिंपल सी लाइट वेट मैंने बनाई है और अगर आपको इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें मैंने सिर्फ जो मेरे पास फ्रूट अवेलेबल थे अनार थे सेब थे तो आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप अंगूर हो आपके पास कुछ भी हो आप डाल सकते हैं ठीक है सारे फ्रूट्स को मैंने कट किया उसके बाद मैंने इसके अंदर टू टू थ्री टेबल स्पून शुगर ऐड किया ठीक है चीनी और मैंने पीसी भी नहीं की मैंने सबत किया ठीक है तो अगर आपके पास पीसी भी आप पीसी भी कर दें मैंने इसी तरह सबत करके उसके अंदर मैंने अच्छे से फ्रूट को मिक्स किया उसके बाद मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया ठीक है तो ये बहुत मज़े की चाट बनी है देखिए कितनी जूसी और कितने मज़े की जैसे कि आगे अब सीज़न आ रहा है ए, उसका माल्टों का तो अब माल ए, उसका माल्टों का जूस अगर आप इसमें ऐड कर देंगे ना तो ये बहुत मजे की बनेगी देखें आपको खुद फील हो रहा होगा कि जैसे बाजारी चाट होती है फ्रूट चाट क्रीम वाली भी बनती है इस तरीके से भी और मैं कभी कभी सिंपल फ्रूट्स भी इसी तरह काट के खा लेती हूँ मूड पर डिपेंड करता है आज मेरा थोड़ा चटपटा दिल था तो मैंने इसमें एक लेमन भी ऐड किया ठीक है जी तो फिर उसके बाद हम बाहर चले गए थे संडे का दिन था क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है काम से तो ये फन हाउस आ गए थे हम लोग तो मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई इसकी डिटेल वीडियो उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कमर्शियल मार्केट में जिन लोगों को नहीं पता तो 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 thank <laughs> you जी तो वापसी पे फिर मैं आ गई थी मम्मी की तरफ क्योंकि आप भी उधर ही आई हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी चक्कर लगा लेती हूँ खैर हम लोगों ने गोलगप्पे भी खाए थे और ना चाय भी टी टाइम भी थी तो वो मैंने शूट नहीं किया मुझे याद नहीं रहा मैं जिस दिन मैं खा गई तो ये बाद में फिर भाभी बना के लेके आई थी पोटैटो रोल्स कटलेट्स कुछ भी आप कह लें कि चिकन और शिमला मिर्च और आलू काली मिर्ची नमक ये सब कुछ चीज़ें डाल के ना तो अच्छे से ब्रेड क्रम्स में ना ब्राउन uh, किया हुआ है अच्छे से फ्राई किया हुआ है ठीक है तो ये उस ये, मतलब आप कुछ भी इसको नाम दे लेना तो पर ये बहुत मज़े के थे ठीक है और भाभी ने बनाए थे एंड टाइम पे वो अचानक से लेके आई हैं और बहुत मज़े का लगा बाकी ये अम्मी और न, मेरी कज़न और न, सब मतलब के बैठे हुए थे हम लोग आप ही के बच्चे वगैरह तो बस हम लोग ये इन्जॉय कर रहे थे इसके बाद फिर मैं जल्दी की थी घर और बस घर जाके बस पूरा दिन जो भी बिज़ी रूटीन थी उसको वो शेयर किया तो जी आज का ब्लॉक मेरा यहीं तक था, था। हमें उम्मीद करते अच्छा लगे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज